विधानसभा चुनाव 2022 में खड़े अपने प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज राजकीय इंटर कॉलेज लखीमपुर के मैदान में पधारे। अखिलेश यादव के आने से पहले ही मैदान में भारी संख्या में जन सैलाब मौजूद था। इस मौके पर अति उत्साहित कार्यकर्ता ऊंचाइयों पर खड़े होकर अपने राष्ट्रीय नेता के अभिवादन की तैयारी में पहले से ही खड़े थे। भारी भीड़ के चलते मैदान में खड़े खाने पीने के ठेलों पर भी भारी भीड़ जुटी और देखते देखते सब ठेले खाली होते दिखाई पड़ने लगे। अखिलेश यादव के आने से पहले दूसरे वक्ताओं ने भीड़ को बांधे रखा। अखिलेश यादव आए तो कार्यकर्ताओं का जोश तूफान मारने लगा। उत्तर प्रदेश से सुना है बिजनौर के बाद
लखीमपुर में भी हवाई जहाज ने उतर पाया है। ये बात अगर सच है कि बिजनौर के बाद लखीमपुर में भी हवाई जहाज ने उतर पाया है, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए मौसम बहुत खराब है। इस बार अभी मिल रहा है और सहयोग मांग रहे हैं। ये लखीमपुर बहुत ही हमारा पुराना क्षेत्र है लखीमपुर, और यहाँ के लोगों ने सरकार बनाई थी, पिछली बार बड़ी संख्या में लोग जिता दिए थे। इस बात को हमने अपना समीकरण भी ठीक किया है, हर एक को जोड़ लिया है। समाजवादी पार्टी से हमने कई दल जो क्षेत्रीय है उनको जोड़ लिया। अगर हमें जोड़ना पड़ा उनका राजनाथ जी की पार्टी को भी जोड़ लिया, सन्ना चौहान है उनकी भी पार्टी को जोड़ लिया, जयंत चौधरी जी को जोड़ लिया। अब तो पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी भी हमारा सहयोग और समर्थन कर रही है, ये पैंथर पार्टी भी हमारा सहयोग कर रही है, और बड़ी संख्या में सिख भाई भी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं, और हमारे कुशवाहा बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके आ गए। इस बार दारा सिंह चौहान भी आपके साथ आ गए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी आपके साथ आ गए, और अपना दल भी आ गया आपके साथ कबीरा वाला। तो बताओ इतना सबको जोड़ लिया, इसीलिए जोड़ लिया है क्योंकि समाजवादी पार्टी सबको स्थान भी देगी और सबको सम्मान भी देगी। किसान भाइयों, कभी ऐसा सोचा था कि हमें खेतों पे तार लगाने पड़ जाएंगे? लगे तार किसान बेचारा रात भर जगा रहता है, अपनी रखवाली करता है खेतों की, ये गौशालाएं बनाई, पैसा भी भेजा, लेकिन हजारों करोड़ पता नहीं कहाँ चला गया, कोई नहीं जानता। हमारी गाय माँ भूखी मर रही है, और कई बार किसान गांव वाले इतने परेशान हैं कि स्कूलों में और सरकारी जगह में जानवरों को बंद करना पड़ा। आज के चुनावी भाषण में अखिलेश यादव के निशाने पर एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ही रही। अपने उद्बोधन में अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी तथा दूसरी पार्टियां छोड़कर आए पिछड़े तथा दलित नेताओं का नाम लेकर उनको उचित सम्मान व उचित स्थान देने का वायदा कर दलित तथा पिछड़े वोटरों को लुभाने का भी प्रयास किया। राजेश शर्मा के साथ संजीव पाहवा, mylakhimpurkheri.com। दोस्तों सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल माई लखीमपुर को एंड प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव द लेटेस्ट वीडियोस।